हनुमानताल पुलिस को देखकर भाग रहे एक आरोपी को घेराबंदी कर पुलिस ने दबोच लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक कट्टा बरामद किया है। पूछताछ के बाद आरोपी के घर की तलाशी ली गई तो वहीं पुलिस को उसके घर से एक एयरगन, दो तलवारें और चिंडामार बंदूक मिली है। बताया गया कि पकड़ा गया आरोपी हाल ही में एक मर्डर कांड से छूटा है, जिसके ऊपर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप था। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने बताया कि आरोपी शहजाद को कट्टे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि घर में भी तलवारें रखी हुई हैं, जिसके बाद मुस्तैद पुलिस ने जब आरोपी के घर आनंद नगर अधरताल में दबिश दी, जहाँ से पुलिस को कई हथियार जब्त हुए हैं। बीबीसी के लिए जबलपुर से ब्यूरो सुनील सेन की रिपोर्ट। आज दिनांक 18 मार्च को सुबह थाना हनुमानताल में एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है राजा बाबा की कुटी के पास कुछ अवैध हथियार लेकर के खड़ा हुआ है, जिस पर थाना हनुमानताल की टीम के द्वारा मौके पर दबिश दी गई तो उक्त युवक से एक कट्टा जो है बरामद हुआ। उससे जब पूछताछ की गई उसका नाम जो है शेख शहजाद पाया गया, जिसकी पूर्व में भी हत्या व लूट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्तता पाई गई। इसके पश्चात उसके घर पर भी दबिश दी गई, जिसमें उसके घर से दो तलवार, एक चाइना चाकू, दो एयरगन और एक पिस्टल नुमा लाइटर भी बरामद किया गया है। उक्त अवैध हथियारों की जब्ती के पश्चात शेख शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अभी पेश किया जा रहा है न्यायालय में। ये इस पर पूर्व में भी हत्या तथा लूट जैसे गंभीर मामले रह चुके हैं और ये मेनली जो है प्रॉपर्टी का काम करता है और बाउंसर का भी काम करता है। ये किसको देने जा रहा है? ये अभी इस मामले में से पूछताछ की जा रही है और भी जांच की जा रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।